नमस्कार, डीडी डिलाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। सबसे पहले बात करेंगे पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा की। धारावाहिक श्री कृष्णा के बुधवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि कुंती श्री कृष्ण की पूजा करती हैं। शकुनी दुर्योधन को बताते हैं कि धृतराष्ट्र ने कुंती को भी पांचों पांडवों के साथ वाणाव्रत जाने की अनुमति दे दी है और अब पांडवों को मरने से कोई नहीं बचा सकता। हे प्रभु, जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल चाहे किसी भी नदी में गिरे, अंततः वह सागर तक पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार किसी भी देवता को किया हुआ प्रणाम अंततः भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाता है। ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। महाराज ने पांचों पुत्रों के साथ साथ कुंती को भी भेज दिया। अच्छा है, अच्छा है, इससे सारे पांडव वंश का विनाश एक साथ हो जाएगा। आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए धारावाहिक श्री कृष्णा रोजाना रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। धारावाहिक विष्णु पुराण में बुधवार को आप देखेंगे मनु नहाने के लिए नदी में जाते हैं। नदी में उन्हें एक छोटी मछली मिलती है। मछली मनु से उन्हें भी साथ ले चलने के लिए कहती है। धीरे धीरे ये मछली आकार में बड़ी होने लगती है। क्या कष्ट है तुम्हें? आप जहाँ मुझे छोड़ने जा रहे हैं वहाँ बड़ा मत्स्य छोटी मत्स्य को निगल जाता है। मुझे अपने कमंडल में रख लीजिए महाराज। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। एक नन्ना सा मत्स्य जिसे मैंने अपने कमंडल में शरण दी थी, वो इतना विशालकाय हो गया है कि ये अथाह विशाल सागर भी इसके लिए छोटा दिखाई पड़ रहा है। आखिर क्या है इस मछली का रहस्य और क्या होगा मनु के साथ, जानने के लिए देखिए धारावाहिक विष्णु पुराण सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। धारावाहिक संकट मोचन हनुमान में बुधवार को आप देखेंगे कि महाराजा कुंज को पता चलता है कि दानव उन पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। महाराजा कुंज को सपना आता है कि उन्होंने किसी की मदद से दानवों को हरा दिया है। महाराज के श्री ग्रह और नक्षत्रों की गणना के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन कुमार के अन्न प्राशन के लिए अति शुभ दिन है। महाराज कुंजर की, महाराज कुंजर की। महामंत्री जी, आप तो उत्तरी सीमा के क्षेत्र पे थे ना, सब ठीक तो है ना वहाँ पर? नहीं महाराज, दानवों ने हम पर आक्रमण की योजना बनाई है, वो कभी भी हमारी सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। क्या? दानवों का ये दुस्साहस! आखिर कौन करेगा कुंज की मदद, जानने के लिए देखिए धारावाहिक संकट मोचन हनुमान रोजाना शाम 7 बजे डीडी भारती पर। धारावाहिक साईं बाबा तेरे हजारों हाथ में बुधवार को आप देखेंगे कि शिरडी के सभी लोग साईं बाबा से मिलने के लिए द्वारका माई पहुंचते हैं। जौहर बाबा को ये बात पसंद नहीं आती और वो साईं बाबा को साथ ले जाने की बात कहते हैं। आपके भक्त ये भूल गए थे बाबा कि भगवान कभी गलत नहीं हो सकते। अगर आप लोग द्वारका माई छोड़कर नहीं गए तो मैं द्वारका माई ही नहीं शिरडी छोड़कर चला जाऊंगा। और हाँ, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे साथ साईं भी आएगा। क्या साईं छोड़ देंगे शिरडी, जानने के लिए देखिए धारावाहिक साईं बाबा तेरे हजारों हाथ रोजाना रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। तो आप दूरदर्शन के इन शानदार धारावाहिकों का आनंद लेते रहिए। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।